अब स्कूल के नाम पर तो चैतन्य के स्कूल ही जाना होता है, लेकिन अगर मौका मिले अपने स्कूल में आने का तो मजा ही अलग है। मेरा स्कूल यानी बाल विनय मंदिर, और ये बड़ा ही उत्कृष्ट मंदिर, उत्कृष्ट शिक्षा के मंदिर के तौर पर जाना जाता है। ये उसका परिसर है। आज जब मैं इंदौर में था तो इस वक्त यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, हमारे बड़े भाई हैं सीरज सक्सेना जी। सीरज सक्सेना जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने चित्रकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, और क्या बोलूँ मेरे बड़े भाई हैं, तो और भी मन कर रहा तारीफें करने का। लेकिन ये क्या आयोजन चल रहा है जरा बताइए, 1942 से 2017 हीरक जयंती महोत्सव। बाल विनय मंदिर इंदौर ने 75 वर्ष पूरे करे हैं, और आज 1942 के बैच के भी लोग हैं और 2017 के भी बैच के लोग हैं, युवा और जो ग्रैंड फादर बन चुके हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे सारे पूर्व छात्र और आने बाद के छात्र, और एक बहुत ही पारिवारिक और बहुत ही जोशीला माहौल यहाँ है। बाल विनय मंदिर का ही कैंपस है। तो ये अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जो 1942 से जाना जाता है, और इसको बड़ी खुशी होती थी और वहाँ सम्मान का विषय होता था बाल विनय मंदिर में पढ़ना। अभी आप सभी लोग झूम उठेंगे, 1942 से 2017 मनीष जी भी है हमारे, एक और साथी है जो बाल विनय मंदिर के हैं। मुझे इन बुजुर्गों के साथ बिल्कुल मत समझिएगा, मैं बाल विनय मंदिर का जरूर लेकिन जरा बात चल रहा है। तो मनीष जी कैसे आपका आना हुआ और क्या यादें हैं आपकी, जरा हमारे सभी अलग अलग देश के लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और बड़ा इतिहास, बड़ा इतिहास। और अब मुझे लगता है ये जो सेंटर वाला हिस्सा है यही रह गया, बाकी तो काफी कुछ कंस्ट्रक्शन, ये वाला हिस्सा हमारे सामने बन गया था लेकिन शायद और ये पहचान है। हाँ ये मुख्य दफ्तर, ये और ये हमारा हॉल था, ये हॉल अभी भी हॉल है या कुछ और बन चुका है। तो ये है सफर यादों का, आज ये आयोजन रखा गया है, कल भी ये आयोजन होगा। बाल विनय मंदिर के सभी छात्रों के बीच हम भी मौजूद हैं, बड़ी खुशी हो रही है।